नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, महिलाओं को समान राशि के लिए लगेंगे कैंप। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शिक्षा, गरीबी उन्मूलन समेत कई योजनाएं चला रखी है। राज्य में 21 से 50 वर्ष से कम आयु की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर समान राशि देना इसी की एक कड़ी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के नाम से शुरू होने जा रही इस योजना से 40 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसी दिशा में शीघ्र लाभ देने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लाभुक महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। सीएम सोमवार को साहेबगंज के राजमहल और बरहेट में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इसी मौके पर उन्होंने राजमहल में 88.84 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह प्रयास है कि राज्य की आधी आबादी सशक्त और स्वावलंबी बनकर आगे बढ़े। राजमहल राज्य मुख्यालय से काफी दूर है, इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहां हवाई पट्टी का निर्माण कराया जाएगा। साहेबगंज के राजमहल से बंगाल के मानिकचक तक गंगा नदी पर पुल बनाने की पहल भी जल्द ही की जाएगी। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन समाप्त, 13,000 वेतन के साथ 4,000 वर्दी भत्ता मिलेगा। सहायक पुलिस कर्मियों के साथ सरकार के द्वारा गठित 6 सदस्यीय विधायकों की कमेटी से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। सोमवार को सहायक पुलिस कर्मियों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विधायकों ने बैठक की है। बैठक के दौरान सहायक पुलिस कर्मियों की संविदा बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई। उन्हें अब 13,000 मासिक वेतन देने पर सहमति बनी है। वहीं वर्दी भत्ता के तौर पर पुलिस कर्मियों के तर्ज पर 4,000 का भत्ता देने पर भी सहमति बनी है। वहीं होमगार्ड, वनरक्षी, उत्पाद सिपाही बहाली में 10% आरक्षण मिलेगा। सोमवार को हुई बैठक में सहायक पुलिस कर्मियों का नेतृत्व अविनाश कुमार द्विवेदी ने किया, जबकि वार्ता में 14 अन्य सहायक पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं विधायक मथुरा महतो, विनोद सिंह, सुखराम उराव, नमन बिक्सल कौड़ी, सुदिव्य कुमार सोनू, राजेश कक्षप ने सरकार की तरफ से वार्ता की है। इनोवेशन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार होगा झारखंड। पूर्व मुख्यमंत्री सह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद की बैठक हुई। इसमें रिसर्च एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रांची विज्ञान केंद्र में पेटेंट सुविधा केंद्र की अद्यतन प्रगति पर चर्चा हुई है। चंपाई ने युवाओं को नवाचार से जोड़ने पर बल देते हुए विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने दुमका स्थित सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कैंपस में एक साइंस म्यूजियम की स्थापना करने का निर्देश दिया। साथ ही धनबाद स्थित BIT सिंदरी कैंपस में साइंस सेंटर की स्थापना का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान रांची समेत अन्य जिलों में 2 नए मोबाइल साइंस प्रदर्शनी बस के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। रांची में आज भारी बारिश की चेतावनी। रांची समेत झारखंड के मध्य भाग, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के अलावा दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर रांची में सोमवार को सुबह में भी बादल छाए रहे और आंशिक बारिश हुई। इसके अलावा 24 जुलाई को दक्षिणी भाग के अलावा पूर्वी भाग, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामतड़ा, पाकुड़, साहेबगंज के अलावा रांची व मध्य भाग में भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई को भी उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग के झारखंड के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई। बता दें, पिछले 24 घंटे के अंतराल पर कई स्थानों पर हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में मानसून गतिविधियां सामान्य रही। इस अवधि में सबसे अधिक बारिश 50 मिलीमीटर पश्चिमी सिंहभूम में दर्ज की गई है। कुष्ठाश्रम का मुख्यमंत्री हेमंत आज करेंगे उद्घाटन। राजधानी और आसपास के कुष्ठ प्रभावित लोगों के लिए नवनिर्मित 256 फ्लैट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को उद्घाटन करेंगे। यह फ्लैट नगर विकास विभाग की एजेंसी जुड़को द्वारा धुरमा के मुड़मा में बनाया गया है। कुल 256 फ्लैट में से 250 का रांची नगर निगम द्वारा लॉटरी से आवंटन हो चुका है। वहीं उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री 10 लाभुकों को सांकेतिक रूप से फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन, कई मंत्री, क्षेत्र के विधायक और रांची के सांसद भी उपस्थित रहेंगे। कुष्ठ प्रभावित कल्याण संगठनों के पदाधिकारियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। कॉलोनी में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अस्पताल भी खोला जाएगा। बता दें, कुष्ठाश्रम में G+1 के 7 ब्लॉक 5.5 एकड़ में बने हैं।
इसके निर्माण की लागत 35 करोड़ रुपए आई है। पहाड़ी बाबा का 70,000 शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। सावन माह की पहली सोमवारी पर राजधानी में हजारों श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया है। अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने बिल्व पत्र, भांग धतूरा, फल और प्रसाद अर्पित किया और परिवार समाज के लिए मंगल कामना की है। बता दें, रांची पहाड़ी मंदिर में सुबह 3 से शाम 5 बजे तक लगभग 70,000 शिव भक्तों ने पूजा अर्चना किया एवं अर्घा सिस्टम से पहाड़ी बाबा को जल चढ़ाया। शहर के अन्य इलाकों में स्थित शिव मंदिर में भी पहली सोमवार की धूम रही। वहीं स्त्री पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों ने शिवलिंग पर जल अर्पण किया और श्रद्धा भाव के साथ पूजा की। कई स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान एवं महारुद्राभिषेक हुए। शाम में मंदिरों में श्रृंगार, भजन, कीर्तन, आरती, प्रसाद वितरण हुआ है। देवघर में 1,75,000 श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। राजकीय श्रावणी मेला 2024 सोमवार के साथ शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी। रिमझिम फुहारों तो कभी धूप के बीच प्रशासन की ओर से दी गई सुविधाओं का उपयोग करते हुए कंवरियों व श्रद्धालु कांवर यात्रा के साथ जलार्पण के लिए कतारबद्ध होकर आगे बढ़ते रहे। एक अनुमान के मुताबिक श्रावणी मेले के पहले दिन व पहली सोमवारी पर करीब 1,75,000 कंवरियों व श्रद्धालुओं ने कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर मंगल कामना की है। बता दें, राजकीय श्रावणी मेला 2024 के पहले दिन प्रातः 4:07 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। रविवार आधी रात से ही शुरू हुई कंवरियों की कतार तड़के सुबह बरमसिया चौक तक पहुंच गई थी। शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजमय रहा। कंवरिया कतारबद्ध होकर बाबा का जयघोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। हर महीने के अंतिम बुधवार को अब गर्भवती की जांच का विशेष अभियान। राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल में अब हर महीने के अंतिम बुधवार को गर्भवती महिलाओं की जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य नोडल पदाधिकारी मातृत्व स्वास्थ्य डॉक्टर पुष्पा ने बताया है कि इसके तहत हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समस्या पहचान की जाएगी ताकि सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत यह एक्सटेंशन व्यवस्था की गई है। मातृत्व मृत्यु दर की अधिकता का एक प्रमुख कारण गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का संचालन किया जाता है। इसके तहत हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जाँच की जाती है, खासकर जो महिलाएं गर्भावस्था के द्वितीय व तृतीय तिमाही में हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को हर दिन अंडा देने के आदेश नहीं पहुंचा। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन 1 अंडा बच्चों को उपलब्ध कराए जाने का आदेश अब तक न तो जिला के पदाधिकारियों को मिला है और न ही आंगनवाड़ी केंद्रों तक ही पहुँचा है। राज्य सरकार ने 11 मार्च 2024 को यह आदेश जारी किया था। इसके चलते इस आदेश पर अमल नहीं हो पा रहा है और आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने को लेकर बच्चों के उत्साह में कमी आ रही है। भोजन का अधिकार अधिनियम झारखंड ने सोमवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। अभियान ने इस मसले पर दुख जताते हुए कहा है कि झारखंड विधानसभा के आने वाले मानसून सत्र में यह मसला विधायकों की ओर से सरकार के समक्ष उठाए जाने की उम्मीद है। अभियान की अपूर्वा ने कहा है कि अगर समय पर सरकार ने अंडा वितरण सुनिश्चित नहीं कराया तो भोजन का अधिकार अधिनियम की ओर से विधायकों के घरों पर अंडे उपलब्ध कराए जाएंगे तो उनमें यह भावना पैदा कराई जाएगी कि आंगनवाड़ी केंद्र के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाने को अंडे नियमित तौर पर वितरित हो। सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों का घर पर ही होगा इलाज। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सीय देखभाल अब उनके घरों पर ही आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से हो रही है। आयुष के चिकित्सक अपने सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मियों के माध्यम से मरीजों की जांच उनके घर पर जाकर कर रहे हैं। इस आशय को लेकर स्वास्थ्य चिकित्सा से परिवार कल्याण विभाग आयुष निदेशालय ने सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में करुणा योजना के नियमित संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। सीएम हेमंत ने बिजली का दिया तोहफा, बोले हर घर होगा रोशन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हर घर ऊर्जा, हर घर बिजली लक्ष्य है। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव के घरों को राज्य सरकार रोशन कर रही है। बिजली की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। राज्यवासियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भी लाभ मिल रहा है। नियुक्ति का सिलसिला भी जारी रहेगा। वहीं 21 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने समान राशि मिलेगी। उन्होंने कहा है कि शिवगादी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। वे साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड क्षेत्र के सिंगा मैदान में आयोजित 132/33 kVA ग्रिड सब स्टेशन
परहेट एवं 132 केवीए पाकुड़ राजमहल द्विपथ लीलो संचरण लाइन का शुभारंभ एवं विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बस किराए में छूट के लिए बनेगा पहचान पत्र। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े सभी लाभुकों का पहचान पत्र बनाया जाएगा। इस पहचान पत्र को स्मार्ट कार्ड नाम दिया गया है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने अपनी सहमति दे दी है। विभाग अब प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक बुधवार या गुरुवार को हो सकती है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाएगी। आईपीएस अजय कुमार बने रामगढ़ के नए एसपी। आईपीएस अजय कुमार को रामगढ़ का नया एसपी बनाया गया है। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत आईपीएस अजय कुमार 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे विशेष शाखा में पदस्थापित थे। सोमवार की शाम गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर विमल कुमार को 21 जुलाई को राज्य सरकार ने एसपी रामगढ़ के पद से हटा दिया था। इसके बाद से ही वहां एसपी का पद रिक्त था। बता दें, रामगढ़ के एसपी डॉक्टर विमल कुमार का स्थानांतरण स्वाभाविक नहीं है। रामगढ़ यातायात थाने के एएसआई राहुल कुमार सिंह की मौत के मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल सकती है। सीएम हेमंत की जमानत का ईडी की चुनौती वाली याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार उक्त याचिका 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। ईडी की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत खारिज किए जाने की मांग की गई है। बता दें, हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपए के दो निजी मुचकले पर रिहा करने का आदेश दिया था। बड़गाई अंचल के 8.66 एकड़ जमीन मामले में हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा था कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। आदिवासियों की रैली में बोले बाबूलाल, गांव के गांव उजड़ गए। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रविवार को भू माफियाओं द्वारा रैती जमीन की लूट के खिलाफ मोराबादी मैदान में विभिन्न आदिवासी संगठन के धरने के समर्थन में साथ बैठे और उन्हें संबोधित किया। मरांडी ने कहा है कि सरकार के संरक्षण में आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ रैती जमीन पर कब्जा किया गया है। कांग्रेस सरकार में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। गांव के गांव उजड़ गए, लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास की चिंता नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा है कि विस्थापन के कारण आदिवासियों की जनसंख्या घटती गई। जो इसके लिए गुनाहगार हैं वे अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे। भू माफियाओं के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद के माध्यम से आदिवासी समाज खतरे में है। धन्यवाद।